तो दोस्तों आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हमारे चैनल पे 5-5 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, जिसमें से 1 स्ट्राइक हमारे चैनल पे एक्टिव हो गया है और 4 स्ट्राइक पेंडिंग में है। अगर वो स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ जाता है तो 7 दिन के अंदर हमारे चैनल को यूट्यूब के द्वारा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, कोई भी आप गलती नहीं किया उसके बाद आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाता है, तो आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा पास में ले गया दोस्तों, आपको करना होगा, सबसे पहले आपको चेक करना होगा जिस वीडियो पर आपको स्ट्राइक मिला है, क्या उस वीडियो में आप किसी का कुछ यूज किया है, जैसे कि हम कुछ भी यूज नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों हमारे ऊपर स्ट्राइक आया है तो वो बिल्कुल फेक स्ट्राइक है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, आप कुछ भी यूज नहीं किया है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर जाइएगा, आप अपने चैनल के डैशबोर्ड में स्टूडियो को खोल के डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा, तो वहां पर दोस्तों आपको स्ट्राइक दिखाई देगा और वहां पर एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे की तरफ जाइएगा तो जिस वीडियो पर आपको स्ट्राइक मिला होगा वहां पर वह वीडियो दिखाई देगा, और दोस्तों उसके लास्ट में देखिएगा राइट साइड की तरफ तो वहां पर आपको मिलेगा सिलेक्ट एक्शन लिखा हुआ, तो उस पर क्लिक करके आपको काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर देना है। काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कॉपीराइट क्लास होता है, उसे आपको करना पड़ता है, वहां पर 4 सवाल आपसे पूछा जाता है, उसका आपको जवाब देना पड़ता है। जब वो आप कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपको यूट्यूब इंडिया को मेंशन करके एक ट्वीट करना होता है, जो कि हम ट्वीट कर दिया है, उस ट्वीट को आप जाकर रीट्वीट कीजिएगा। रीट्वीट जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी यूट्यूब के नज़र में हमारा चैनल जाएगा और हमारे वो चेक करेंगे कि क्या यह सही स्ट्राइक है या गलत स्ट्राइक है। उसके बाद जो भी उनका डिसीजन होगा वो लोग बता देंगे। अगर आपके अंदर गलती नहीं है, फेक स्ट्राइक आपके चैनल पे आया है, तो वहाँ पर दोस्तों वो लोग चेक करेंगे, आपके स्ट्राइक आपके चैनल पर से रिमूव कर देंगे, और उसके बाद दोस्तों आपका स्ट्राइक रिमूव हो जाएगा और जो व्यक्ति आपको स्ट्राइक दिया है उसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप जाइए और दोस्तों मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ उस पर क्लिक करके जाके आप रीट्वीट कर दीजिए मेरे ट्वीट को, और नहीं तो दोस्तों आप ट्विटर पर सिंपली जाके वहाँ पर मंगेश कुमार सर्च करके और दोस्तों वहां पर जाके आप रीट्वीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और दोस्तों जो स्ट्राइक आया है वो जल्दी हमारे चैनल पर से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना के रखा हूँ, जितना काम किया हूँ सारा का मैं रिकॉर्डिंग करके रखा हूँ, उसे मैं जल्दी ही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके आप रीट्वीट कीजिए, आपको इतना ही काम करना है, उसके बाद मेरा चैनल वापस आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो में तब तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आकाश का चैनल है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरा जो जानकारी है इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। बाय बाय।